रेस्क्यू बोट के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आप लोगों को रेस्क्यू बोट कैसा दिखता है इस वेसल पे वो भी दिखाऊंगा, लेकिन डिफरेंट वेसल पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्क्यू बोट रहते हैं। नॉर्मली डिफरेंट टाइप से मेरा मतलब ये है कि जिसमें साइड में लाइफ बोट रहते हैं उसमें से एक लाइफ बोट को रेस्क्यू बोट कंसिडर किया जाता है। यस, उसका रीज़न ये है कि वो लोअर करने में और अबेस करने में जो उसका डेविट है वो फास्ट रहता है, बस उतना ही रीज़न है जिसमें साइड में लाइफ बोट रहती है। एंड जिसमें फ्री फॉल टाइप लाइफ बोट रहती है उसमें स्पेशली एक मैं जो कि इस वेसल में है वो दिखाऊंगा, वैसा टाइप का रेस्क्यू बोट रहता है। सो रेस्क्यू बोट में कौन कौन से आइटम्स रहते हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, सो आप वहाँ से भी देख सकते हो। मैं आप लोगों को रेस्क्यू बोट भी देखने के लिए लेके जाऊंगा। सो हेलो गाइज, मैं हूँ अल्केश सोलंकी एंड यू आर वॉचिंग मरीन ज्ञान, इट्स अ सी फेयर्स वॉइस। सो रेस्क्यू बोट के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आप लोगों को यहीं से बता देता हूँ, ताकि बाहर जाऊँगा थोड़ा हवा एक्सेट्रा होगा तो थोड़ा हो सकता है दिक्कत हो। सो रेस्क्यू बोट के बारे में ये बताना चाहूँगा कि कैपेसिटी जब सपोज यहाँ पे है हमारा 6 पर्सन का है, सो एक बंदा अगर गिर गया है देन आप लोगों को बचाने के लिए 5 लोगों को जाना है, 2 बंदे गिर गए हैं देन आप लोगों को बचाने के लिए 4 लोग जाना है। सो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि रेस्क्यू बोट का कैपेसिटी 6 पर्सन का है तो सोचते हैं कि 6 बंदे बचाने के लिए जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, देन आप लोग खुद भी फंस जाओगे। ये सभी चीज़ें आप लोग को एक्चुअली जहाज़ पे जाओगे तब पता चली जाएगी, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि रेस्क्यू बोट एक स्पेशल टीम रहती है। जो भी जहाज़ पे जब ज्वाइन करोगे तब आप लोग को पता चल जाएगा कि रेस्क्यू बोट टीम में कौन कौन है। सपोज चीफ ऑफिसर है, सेकेंड ऑफिसर है, KP है, मोटरमैन है, समथिंग लाइक डेट। जो अगर आपका ड्यूटी है देन आप भी रेस्क्यू बोट टीम में काउंट होगे। तब मैन ऑफ बोट सपोज हो गया देन आप लोगों को बचाने जाने में हेल्प करना है। सो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग को जानना ज़रूरी है। एंड रेस्क्यू बोट कैसा दिखता है, रेस्क्यू बोट कैसे लॉन्च करते हैं और उसका बहुत सारा और भी चीज़ें मैं आप लोगों को वहाँ पे जाके दिखाऊंगा। एंड MOB जो कि मैन ओवर बोर्ड हो जाता है तभी रेस्क्यू बोट स्पेशली यूज होता है। सो MOB का वीडियो भी मैंने ऑलरेडी आई बटन में डाल रखा है, सो आप वहाँ से वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। सो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ सीधा रेस्क्यू बोट के पास। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो। सो पीछे आप देख सकते हो वो लाइफ बोट है हमारा, वो फ्री फॉल टाइप लाइफ बोट है। एंड अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ आप लोगों को रेस्क्यू बोट दिखाने के लिए कि रेस्क्यू बोट कैसा दिखता है। तो नॉर्मली यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बता देना चाहूँगा कि जो रेस्क्यू बोट है वो बहुत सारे जो साइड पे जो लाइफ बोट रहते हैं उसमें एक रेस्क्यू बोट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उसको जब लोअर और उसको हीव अप करने का प्रोसीजर है वो फास्ट है, बस उतना ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहता है। सो बस वही सिंपल सी चीज़ आप लोग को जानना ज़रूरी है और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा उसमें नहीं है, वो सिंपल ही है। लेकिन यहाँ पे जो रेस्क्यू बोट है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप है, ये ओपन टाइप है रेस्क्यू बोट, और वो जो साइड में जो रहते हैं उसमें जो रहता है वो रेस्क्यू बोट एनक्लोज टाइप रहता है। जो जैसे आप लाइफ बोट देख सकते हो यहाँ पे पीछे वैसा ही सेम रहेगा वो भी। सो मैं फिलहाल आप लोग को रेस्क्यू बोट में दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, और ये रेस्क्यू बोट मैं आप लोगों को स्टार्ट करके नहीं दिखाऊँगा बिकॉज इसका इंजन वगैरह है वो कवर्ड है। सो फिलहाल मैं आप लोग को दिखाता हूँ रेस्क्यू बोट। सो ये हमारा रेस्क्यू बोट, आप देख सकते हो इंजन वगैरह कवर्ड है। जब भी वीकली टेस्ट होता है ओनली तभी ये सब टेस्ट किया जाता है। एंड रेस्क्यू बोट इस टाइप का दिखता है, ओपन रेस्क्यू बोट रहेगा ये वेसल पे। सो कुछ इस टाइप का दिखेगा। मैं अभी आप लोगों को अंदर जाके भी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये जो डेविट है वो डेविट के थ्रू हम लोगों को ये लाइफ बोट बाहर की साइड लटका देंगे एंड लोअर करेंगे। लोअर करने के बाद हम लोग जाएंगे इसमें, इसका एक्चुअली कैपेसिटी 6 लोग का है। सो हम लोग को एक आदमी गिर गया है तो 5 लोग जाके उसको रिकवर करके ले आके आना है, और अगर 2 आदमी गिर गए हैं देन हम लोग को 4 लोगों को जाके वो 2 आदमी को उठा के लाना है। सो
इतना ध्यान रखना है कि 6 का कैपेसिटी है, सो आप 6-7 लोग, 6 लोग जाके ही बचाने जाओगे देन आप लोग भी वापस नहीं आओगे, सो ये भी बात जानना बहुत ज़रूरी है। सो मैं आप लोगों को फिलहाल अभी अंदर थोड़ा सा एंटर करके दिखा लेता हूँ। सो रेस्क्यू बोट आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप का है। अभी फिलहाल थोड़ी आधे घंटे एक घंटे पहले बारिश हुआ था, इसके लिए अभी भी पानी है इसमें। सीटिंग अरेंजमेंट देख सकते हो आप, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। सो 6 लोगों की सीट है, लेकिन जो कैजुअलिटी है, जो गिर गया है बंदा, उसको यहाँ पे सेंटर में लिटा के वापस लाना है। और 2 बंदे हैं तो हम लोग को कैसे भी एडजस्ट करके 2 लोगों को इसमें रख के लाना है। सो इसमें भी सेम लाइफ बोट के जैसा बैटरी अरेंजमेंट रहता है और यहाँ पे कंपास वगैरह रहेगा। ये व्हील है और ये अपना क्लच है जो आगे गियर है, आगे करोगे आगे जाएगा, पीछे करोगे पीछे जाएगा, कुछ इस टाइप का रहेगा। आप आगे करोगे आगे चला जाएगा, ये सेंटर में रखोगे सेंटर रहेगा, सेम आप लोग पीछे करोगे पीछे चला जाएगा। सो इसको मैं अभी वापस सेंटर में कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इक्विपमेंट टैंक करके लिखा है। सो इसमें जो भी चीज़ें हैं वो बहुत सारी, जो भी चीज़ें आप यूज़ करने लायक है, इसमें क्या क्या चीज़ें रहती है उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिस्ट, सो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। सो वो सभी चीज़ें इसमें मिलेगी आपको। एंड इन केस ऑफ एमरजेंसी आप देख सकते हो यहां पे पेडल भी दिए हुए हैं, सो ये पेडल मार के भी आप यूज़ कर सकते हो। और ये सब बैटरीज वगैरह के लिए है, क्योंकि ये बैटरीज से आपको ऑन करना पड़ेगा। सो ये सिंपल सा है हमारा रेस्क्यू बोट, कुछ इस टाइप का दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो। और ये ओपन रेस्क्यू बोट है, सो ये डिफरेंट टाइप का है थोड़ा बहुत। जिस वेसल में फ्री फॉल रहेगा उस वेसल में आपको ओपन टाइप का रेस्क्यू बोट मिलेगा। सो हवा भी बहुत है, पता नहीं वीडियो में कुछ तो भी साउंड का थोड़ा मेरे ख्याल से हो सकता है डिफरेंस आएगा, लेकिन अभी हवा बहुत ही है, अभी बोट वगैरह में वीडियो नहीं बना सकता, इसके लिए मैंने सेलिंग में वीडियो बनाया है। सो आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आप लोग को अगर कोई भी पर्सनल वीडियो चाहिए देन प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके भी बता सकते हो और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकॉन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मुझे आप लोग जब वीडियो लाइक करते हो तब बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही और फील होता है कि और भी वीडियोस बनाओ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।